क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सफलता प्राप्ति के बहुत करीब होते हैं, आपको थोड़ा ही और आगे बढ़ना होता है, तभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर देता है। यदि आप इस स्थिति से उबरना नहीं जानते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी क्षमता, अपने समय और अपने धन का बेस्ट यूज करने को लेकर अनिश्चित हैं। ये लोग लगातार यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वे आगे बढ़ने के बारे में क्या कर सकते हैं। उन्हें तलाश है किसी ऐसे व्यक्ति की जो उन्हें अपने इन प्रश्नों का उत्तर देकर उनका मार्गदर्शन कर सके। इसलिए आज हम वर्ल्ड फेमस बुक इनविंसिबल थिंकिंग से जानेंगे जीवन के इन प्रश्नों का उत्तर। इनविंसिबल थिंकिंग या अपराजित सोच, जिसे रयुहो ओकावा ने लिखा है, हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्यों को जानने में मदद करेगी। इस किताब की बातें आपस में कनेक्टेड है, इसलिए अच्छे से समझ आने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। हमारे सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है हमारे जीवन के उतार चढ़ाव। जब हम जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तभी हम ज्यादा सीखते हैं। जब आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छा होता है तो आप अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते हैं, किंतु आपका स्वास्थ्य खराब होने पर आपको समय मिलता है खुद के बारे में सोचने का। तब आप अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाते हैं। आप यह समझ पाते हैं कि आपको पिछले कुछ दिनों में शरीर को क्या खुराक देने की जरूरत थी जो आप नहीं दे पाए और आज आप इस स्थिति में हैं। इसी तरह से एक इंसान की जिंदगी में जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो वह दूसरे लोगों पर और चीजों पर विचार न करके सिर्फ अपनी संतुष्टि और सुख के बारे में ही सोचता रहता है। वह दूसरे लोगों की भावनाओं का विचार तक नहीं करता। ऐसे में जब उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तब उसे दूसरों की भावनाओं और दूसरी चीजों की अहमियत का पता चलता है। इसलिए अगर इस नजरिए से देखें तो हमारे जीवन में होने वाला हर उतार चढ़ाव हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए ही होता है और हमें अपने आप को बेहतर तरीके से जानने का मौका देता है। जब भी आपके जीवन में बुरा वक्त आए तो यह कभी ना सोचे कि आप ही ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ता हो। जो व्यक्ति इन उतार चढ़ावों से घबरा जाता है और इनका दोष दूसरे लोगों और चीजों पर मढ़ने लगता है, जैसे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, या मैं ज्यादा पैसे वाला नहीं हूं, या मेरे साथ यह समस्या है वगैरह, हम दरअसल ऐसा करके अपनी जिंदगी को नरक बना रहे होते हैं। जब आप अपने भाग्य को स्वीकारते हैं और अपने जीवन में आई हुई परिस्थिति के लिए किसी और की शिकायत नहीं करते और अपने जीवन की पूर्ण जिम्मेदारी खुद लेकर उस विकट स्थिति का सामना करते हैं, तब आप जिंदगी के बहुमूल्य सबक सीखकर आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सारे महान लोग इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसलिए जो व्यक्ति छोटे मोटे भोग विलास में ही तल्लीन हो जाता है वह कभी भी महान नहीं बन पाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आए तब यह सोच ले कि आपको इस कठिनाई से कुछ ना कुछ अच्छा सीखकर आगे बढ़ना ही है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई भी स्थिति उतनी अच्छी या उतनी खराब नहीं होती जितनी वह एक बार देखने में दिखाई देती है। हर परिस्थिति के बारे में विचार करने का एक दूसरा नजरिया हमेशा मौजूद रहता है, इसलिए हमें नए विचारों को जन्म देने की जरूरत है। बहुत सी बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें दो विपरीत इच्छाओं या आवश्यकताओं में से किसी एक को चुनना होता है। ऐसे धर्म संकट से निकलने के लिए आप किसी अच्छी पुस्तक या किसी अच्छे सलाहकार का सहारा ले सकते हैं। अपने आप को ऐसी किसी स्थिति में मत पहुंचने दीजिए जहां आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। स्वयं सोचो कि क्या इन दो विपरीत तत्वों को साथ लाने का कोई तीसरा तरीका मौजूद है जिससे आप इस समस्या से बच सकते हैं। ईश्वर द्वारा बनाई गई इस दुनिया में कुछ भी फालतू नहीं है। ईश्वर ने इस संसार का निर्माण एक श्रेष्ठ इरादे के साथ किया है। उन्होंने इस दुनिया में कोई भी बुरी चीज नहीं बनाई। अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वे यह दुनिया ही नहीं बनाते। हमें जिंदगी में कई बुरे लोगों का और बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, किंतु ईश्वर की यह इच्छा बिल्कुल नहीं थी। यह सारी परिस्थितियां हम अपने विचारों से अपने जीवन में लेकर आते हैं। हम इसलिए कष्ट भोगते हैं क्योंकि हम इस सच्चाई को कि ईश्वर ने इस जगह को रहने की श्रेष्ठ और सुंदर जगह मानकर निर्मित किया है, गलत अर्थ में लेते हैं। हम जैसी दृष्टि से संसार को देखते हैं हमारे साथ वही चीजें घटित होने लगती है। जब आप गहन विचार करके एक बार यह जान जाएंगे कि आपके सोचने का नजरिया या रवैया गलत है तो आप अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप इस बुनियादी आधार को मान लेंगे कि इस संसार की नींव अच्छाई पर रखी गई है तो आप अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देंगे।
आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में संभाल लेंगे और इसके बाद आपकी जीत तय है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हर दिन अच्छा गुजरे तो हमें अपने जीवन में हर दिन जीने की कोई एक वजह ढूंढनी चाहिए। आपने अभी तक के जीवन में बहुत कुछ सीखा है और आगे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए नया सीखना जारी रखें। जब भी आप जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तब आप हमेशा यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए और आप कैसे उस संकट से बाहर निकल सकते हैं। और जब हमारी वह समस्या हल हो जाती है तो हम में से अधिकांश लोगों की सारी चिंताएं गायब हो जाती है और हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट के अगले चरण में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने एक नई चीज सीखी होती है। इसलिए आगे किताब हमें सिखाएगी कि जीवन में रोज की छोटी मोटी परिस्थितियों में जीत हासिल कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वस्थ जीवन कैसे जिएं। अगर हम जीवन में जीतने के बारे में सोचें तो हम अपने स्वास्थ्य को नहीं भुला सकते हैं। हम चाहे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में कितना भी अच्छा क्यों ना करें, जब तक हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी तब तक हम उन चीजों का लाभ नहीं उठा सकते। शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी होगी। आपको कसरत करने के बारे में कोई नहीं कहेगा। आपको खुद ही अपने शरीर को मूल्यवान समझकर उसकी देखभाल करनी होगी। अब बात करते हैं धन दौलत को एकत्र करने के बारे में। ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हैं जो धन को बुरा मानकर ज्यादा धन अर्जित करने को पाप समझते हैं। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी गरीबी इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि आप धन कमाने को किस हद तक गलत या सही समझते हैं। जब हम मानते हैं कि सारी बुरी चीजें धन से जुड़ी हुई है और हम खुद को एक अच्छा इंसान समझते हैं तो हमारे पास धन कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहता है और उसकी नजर में धन बुराई से जुड़ा हुआ है। सच यह है कि धन का बुराई से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि धन एक ऐसा साधन बन सकता है जिससे आप संसार की सारी अच्छी वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी जरूरतमंद की बड़ी आसानी से मदद कर सकते हैं। अपने जीवन साथी को चुनने को लेकर किताब बताती है कि जिस तरह का आदर्श जीवन साथी आप चाहते हैं, पहले खुद को उस तरह का बनाया जाए। जब आप अपने आप को उस तरह का बना लेंगे तो आप अपने आप ही अपने आदर्श जीवन साथी को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। और अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि जब आप एक आदर्श रिश्ते में होंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। हमें अपने जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जिनसे मिलने पर हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारे जीवन में अच्छा समय जरूर आएगा। इस प्रकार की मुलाकात के लिए हमेशा तैयार रहें। आप जितने ज्यादा खुद को इस मामले में सकारात्मक रखेंगे, आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने जीवन में परेशानियों से निपटने के चक्कर में कभी गलत निर्णय नहीं लिए होंगे, उसके बाद सही निर्णय लिए होंगे। सोच सकारात्मक हो या नकारात्मक, हर इंसान अपने जीवन को और खुशहाल बनाने में लगा रहता है। हम इस धरती पर सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। मुसीबतें तो जीवन का हिस्सा होती है, उनको हमें अपनी आत्मा के पोषण में लगाना चाहिए। हमें इस धरती पर अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए कि हम एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को नजदीक से देखेंगे तो आपको अपनी मुसीबतों और बाधाओं के नए मायने मिलेंगे और यहीं से आपकी अपराजित सोच की शुरुआत होती है। जीवन एक तरह की अभ्यास पुस्तिका है और हर इंसान की यह अभ्यास पुस्तिका अलग अलग होती है, इसलिए हमारे जीवन की चुनौतियों का हल हमें स्वयं ही निकालना है। हाँ, इसमें जरूरत पड़ने पर हम दूसरों की मदद ले सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सफलता प्राप्ति के बहुत करीब होते हैं और आपको थोड़ा ही और आगे बढ़ना होता है, तभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर देता है। यदि आप इस स्थिति से उबरना नहीं जानते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सफलता जो कई बार मिलने में थोड़ा टालमटोल करती है, वह हर इंसान के भीतर थोड़ा सा डर बना देती है। ऐसी स्थिति में लोग खुद ही अपने पतन के बीज बोने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह लोग पूर्ण सफलता से डरे होते हैं। उन्होंने अपने अवचेतन मन को इस तरह से तैयार ही नहीं किया होता है जो पूर्ण सफलता का एहसास कर सके। ऐसी स्थिति में सफलता उनके हाथों से फिसलने लगती है, और खास करके तब जब उन्हें थोड़ा ही और आगे बढ़ना होता है। जब तक आप खुद को एक सफल व्यक्ति के तौर पर नहीं देखेंगे और जिस सफलता को आप चाहते हैं उसे खुद को पाते हुए नहीं देखेंगे, तब तक सफलता आपके हाथ में आते आते भी फिसल जाएगी। ऐसे समय में हमारी अपराजित सोच ही हमारे अवचेतन मन में सफलता के प्रति डर को जीतने में हमारी मदद करेगी। दोस्तों,
हर किताब की समरी आप तक लाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए आपके कमेंट और लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। अन्य बुक्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।